तो एक्रेलिक पुट्टी अपन को दोस्तों इस तरीके से करना है। देखिए ये एक्रेलिक पुट्टी करते हुए इसको अपन रबिंग करते हुए फ्लैश डोर को देख रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, पेंट करो चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बताएंगे आपको कि अपन फ्लैश डोर पर पेंट कैसे करते हैं। दोस्तों फ्लैश डोर पर पेंट डायरेक्टली अपन नहीं कर सकते दोस्तों, उसके लिए अपन को पहले वुड प्राइमर लगाना पड़ता है। तो देखिए दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि वुड प्राइमर कैसे लगाते हैं। पहले देखिए इस तरीके से दोस्तों अपन को वुड प्राइमर लगाना है। पहले देखिए, देख रहे हैं आप, ये अपना एशियन पेंट का वुड प्राइमर है दोस्तों, ये अपन लगा रहे हैं। देखिए इस तरीके से अपन इस पर वुड प्राइमर लगाते हुए दोस्तों, देखिए तो देखिए दोस्तों इस तरीके से अपन पहले अपन वुड प्राइमर करते हुए फ्लैश डोर पे, देखिए दोस्तों इस तरीके से अपन को फ्लैश डोर पर वुड प्राइमर इस तरीके से दोस्तों करते हुए आप देख रहे हैं। तो प्राइमर करने के बाद दोस्तों फिर अपन इस पर करेंगे एक्रेलिक पुट्टी। देखिए तो हम आपको बताएंगे, कुछ लोग कमेंट्स करके मेरे से पूछ रहे थे कि सर फ्लैश डोर पर पेंट कैसे करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि नया जो फ्लैश डोर है, देखिए दोस्तों इस तरीके का, तो इस पर सबसे पहले अपन वुड प्राइमर का वर्क करेंगे। देखिए इस तरीके से पहले अपन इस पर वुड प्राइमर लगाएंगे दोस्तों। देखिए देखिए दोस्तों ये अपना एशियन पेंट का 9 इंची का रोलर है दोस्तों, जिससे कि अपन वुड प्राइमर करते हुए देख रहे हैं आप। और दोस्तों ज़रूरत के अनुसार अगर आपको लगे कि माल अपना टाइट है, मानो गाढ़ा है, तो इसमें थोड़ा सा आप ज़रूरत के अनुसार तारपीन ऑयल दोस्तों मिला दें। तो देखिए दोस्तों ये अपना तारपीन ऑयल है, ये 5 लीटर, 1 लीटर, आधा लीटर में आता है दोस्तों। अगर आपको लगे कि माल हमारा गाढ़ा है, टाइट है, तो थोड़ा सा तारपीन ऑयल ज़रूरत अनुसार मिला लें दोस्तों, जिससे कि आपको वुड प्राइमर करने में आसानी हो। देखिए तो देखिए दोस्तों इस तरीके से अपन वुड प्राइमर करते हुए दोस्तों देख रहे हैं आप। तो देखिए दोस्तों ये अपना वुड प्राइमर का वर्क कंप्लीट हो गया है। अब दोस्तों इसको अपन एक दिन के लिए छोड़ देंगे। एक दिन छोड़ने के बाद अब इस पर अपन एशियन पेंट की एक्रेलिक पुट्टी करेंगे दोस्तों। तो चलिए अब एक दिन के लिए इसको छोड़ देते हैं। चलिए दोस्तों अब एक दिन के बाद अपन इस पर एशियन पेंट की एक्रेलिक पुट्टी करेंगे दोस्तों। देखिए तो एक्रेलिक पुट्टी अपन को दोस्तों इस तरीके से करना है। देखिए ये एक्रेलिक पुट्टी करते हुए देख रहे हैं आप। देखिए दोस्तों ये प्राइमर के बाद अपन एक्रेलिक पुट्टी करते हुए फ्लैश डोर पर देख रहे हैं आप। देखिए ये एशियन पेंट की एक्रेलिक पुट्टी है दोस्तों, ये अपन फ्लैश डोर पर पुट्टी करते हुए आप देख रहे हैं। देखिए जो दोस्तों फ्लैश डोर में जो रेसा होता है दोस्तों, तो पुट्टी से ये रेसा प्रॉपर तरीके से भर जाता है दोस्तों, और इस पर इस तरीके की फिनिशिंग आ जाती है दोस्तों। देखिए तो अपना ये फ्लैश डोर का पुट्टी का वर्क कंप्लीट होते हुए दोस्तों देखिए अब इस पर अपन 4 से 6 घंटे के लिए इसको छोड़ देंगे सूखने के लिए, और उसके बाद फिर दोस्तों अपन इसकी रबिंग करेंगे। तो अब 4 से 6 घंटे के लिए दोस्तों इसको छोड़ देते हैं, फिर इसकी रबिंग करेंगे। तो देखिए दोस्तों अब अपन फ्लैश डोर की मजाई करेंगे, मानो रबिंग करेंगे। तो दोस्तों देखिए ये 180 नंबर का रेख माल है दोस्तों, 180 नंबर का वाटर पेपर है। अब इससे अपन इसकी रबिंग करेंगे, मानो मजाई करेंगे। देखिए इस तरीके से दोस्तों ये अपन ने एक दिन पहले इस पर अपन ने एक्रेलिक पुट्टी की थी दोस्तों। अब देखिए इस तरीके से अपन इस पर 180 नंबर वाटर पेपर से इसकी मजाई करेंगे दोस्तों। देखिए देखिए इसकी मजाई होते हुए इसकी रबिंग जो है अपन करते हुए दोस्तों दिखा रहे हैं आपको। कुछ लोग मेरे से कमेंट्स करके पूछ रहे थे कि सर जी फ्लैश डोर पर पेंट करने का तरीका बताइए। तो दोस्तों मैं आपको आज ये फ्लैश डोर पर पेंट करने का दोस्तों बेस बनाने का तरीका बता रहा हूँ आपको। देखिए दोस्तों
बिल्कुल, इसको अपन रनिंग करते हुए क्लच डोर को देख रहे हैं आप दोस्तों जी। हैंड रैप वगैरह लगे होते हैं यहाँ, थोड़ी घिसाई मजाई का विशेष ध्यान रखना दोस्तों, किसी प्रकार की कोई पुट्टी ना रहे, कोई रेसा ना रहे, बढ़िया तरीके से मान लें दोस्तों, जिससे कि अपनी पेंट की फिनिशिंग अच्छी से अच्छी दिखने लगे। तो देखिए दोस्तों, ये अपने फ्लश डोर की रबिंग कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। तो आज हमने बताया कि फ्लश डोर पर बेस कैसे बनाते हैं दोस्तों, प्राइमर का, पुट्टी का। अब दोस्तों अगली वीडियो में बताऊंगा आपको कि इस पर सिंथेटिक एनामेल पेंट कैसे करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए इतना ही काफी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।